फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने हजार खोली मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। सबसे मालेगांव में जितने लोग भी बिजली ग्राहक हैं, सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये प्राइवेट कंपनी जो आई है मालेगांव को जो है रोज़गार से महरूम करने के लिए आई है। जिस तरीके से ये मालेगांव को लूट रहे हैं और फास्ट मीटर लगा करके जिस तरह लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है और घर का बजट बिगाड़ा जा रहा है, उसके पेश नज़र मालेगांव वालों के लिए ये लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। ऐसे हालात के अंदर हमें ऐसा लगता है कि ये माशी सुसाइड की तरफ मालेगांव को ले करके जा रहे हैं। इनकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रहे हैं। साल का 20 करोड़ रुपया खर्च करना है मेंटेनेंस पर, ट्रांसफार्मर पर, सबस्टेशन पर, वो ना करते हुए जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो 1972 का है उसी को ये यूज़ करते हुए आज 2022 में लोगों की जो है ज़रूरत पूरी करने का प्रोग्राम बनाएं, तो ऐसा कैसे होगा? आबादी कहाँ से कहाँ चली गई है और आज जो है नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, जो लॉसेस हो रहा है उसको चोरी के नाम पर हम लोगों के सर डाला जा रहा है। इस तरह की जो सूरत हाल है मालेगांव के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। ये पावर लूम संगठन से जुड़े हुए जिम्मेदारान हैं और इन लोगों से जो बातचीत हुई है उसी को ले वही मुद्दा लेकर के हम लोग आए थे। हमारे लिए दुख की बात ये है कि जो यहाँ एडिशनल एसपी साहब है उन्होंने हमें वक्त दिया था, पीछे वक्त दिया, उसके बाद अभी वक्त दिया, दोनों वक्त पर वो हाजिर नहीं। हम लोगों ने आकर के डीवाईएसपी साहब से मुलाकात की है। डीवाईएसपी साहब का उनका ये कहना है कि मैं तो मेरी जो पोस्ट है मैं जो कर सकता हूँ मैं वही कर सकता हूँ। और हमें जो है गुफ्तगू में इस बात का अंदाज़ा हुआ कि प्राइवेट बिजली कंपनी के जो भी धन्ना सेठ लोग होंगे ठेकेदार और जिस तरह महज़ब तरीके से मालेगांव के लोगों को लूटा जा रहा है, जिनकी 400-700 रुपया बिल आती थी आज उनकी 2500-3000 रुपया बिल, उनको घरेलू बिल बिजली बिल भरना पड़ रही है। कारखानेदारों के लिए इनका जो मीटर है वो तकरीबन जो है 1500-2000 यूनिट जो है MRC के मीटर के मुकाबले में तेज़ चल रहा है, इतना यूनिट पर मंथ ज़्यादा आ रहा है। तब जाहिर बात है इस तरह का जो नुकसान है मालेगांव के लोग उसे झेल नहीं सकेंगे। 20 साल में तो मालेगांव ऐसा होगा कि लोगों को लूम जो है भंगार लोहे के भाव भंगार के भाव बेचना पड़ेगा, पूरा कारोबार पूरी सनत ठप हो जाएगी। ये वही जो मोटी मोटी बात है जो आपके सामने हम लोग रख रहे हैं। रूल रेगुलेशन के हिसाब से कंपनी नहीं चल रही है, मनमानी कर रही है। आज उसका एक उदाहरण मैं ये दूंगा कि लोड शेडिंग ये 3-4 घंटा कर रहे हैं, जबकि MERC की तरफ से लोड शेडिंग का कोई प्रोग्राम इनके पास नहीं। और ये लोड शेडिंग इसलिए कर रहे हैं कि इनके ट्रांसफार्मर ओवरलोड है। ओवरलोड होने की वजह से इधर उधर फीडर को मेंटेन करने के लिए इधर बंद करके उधर उधर बंद करके इधर चालू कर रहे हैं। इस तरह जो है अगर ये देंगे मालेगांव में कारोबार कहाँ से होगा? जब कारोबार नहीं होगा और तुम बिजली बिल के नाम पर जो है लोगों की जेब पर डाका डालोगे तो जाहिर बात है पूरा शहर तो खड़ा हो जाएगा। हमने बहुत सफाई के साथ ये बात कह दी है कि लैंड अंडर बिगड़ जाएगा और जाहिर बात है कि एक वक्त पब्लिक जो है रोड पर आ जाएगी तो गांव के सामने राव की चलती नहीं। सबसे बड़ा मसला डिपार्टमेंट के लिए लैंड अंडर का आएगा। मेरे घर का बजट बिगड़ा है, मेरे जैसे जितने लोग हैं सबके घर का बजट बिगड़ गया है और इनकी जो है ज्यादती की वजह से इनका जो है मीटर फास्ट चलता है। एक मीटर जो है एक शेड में 2 मीटर हैं बीच में पार्टीशन के साथ, दोनों का जो है यूनिट का फ़र्क 2000 यूनिट का फ़र्क है, ऐसे कैसे चलेगा? ये मुद्दे लेकर के आए थे। बाकी जो टेक्निकल बात है मजीद जो डीप में जा कर के जो तकलीफ है वो जो ये लोग बताएंगे। मई 2019 को CSC कंपनी कलकत्ता पावर सप्लाई कंपनी ने हुकूमत महाराष्ट्र से एक माहदा किया कि मालेगांव को फ्रेंचाइजी की बुनियाद पर पावर सप्लाई का निज़ाम दिया जाएगा। जिस दिन ये सब तय हुआ ये एग्रीमेंट,
तब से हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है, लेकिन ये हमारे ऊपर थोप दिया गया। उस वक्त जैसा एहतजाज करके उसको मना करते, हमारे सामने तो एक बहुत बड़ा मिसाल था टोरेंट का। अगर टोरेंट की मिसाल को हम सामने रख के उसका एहतजाज करते और उसको नहीं आने देते तो आज शायद ये दिन नहीं देखता। हमारा इतना कहना है कि ये एग्रीमेंट जो इनका हुआ है वो महावितरण कंपनी MSEDCL के जो रूल रेगुलेशन है उसके मुताबिक ही ये लोग यहाँ पर काम करेंगे, और ये लोग MSEDCL के जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसके लिए शहरयान को तकलीफ़ है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले महावितरण थी तो वो मालेगांव वालों का मामला सीधा नहीं होता था, वहाँ पर भी मसाइल आते थे लेकिन मामले सीधे कर दिए जाते थे। यहाँ तो ऐसा हो गया कि तीन तीन साल हो गया लोगों को इनके यहाँ पे ऑफिस में चक्कर लगा लगा के उनके पैर जो चप्पल घस गए, लेकिन उनका काम अभी तक हुआ नहीं है।